नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य के एससी एसटी ओबीसी और ईबीसी छात्रों को फायदा देने के उद्देश्य से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू है। इससे 3 सालों से इंतजार कर रहे लाखों छात्रों को फायदा मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार सरकार ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना खुद का पोर्टल तैयार कर लिया है, जिस पर छात्र आवेदन कर सकते हैं। इस बार सरकार ने 3 सालों के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसके तहत वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की लंबित छात्रवृत्ति योजना के लिए एक साथ आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन की प्रक्रिया शुरू है और रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 है। बताते चले कि इसके लिए बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इन 3 सत्रों के छात्रों को ही यह फायदा मिलेगा। बताते चले कि केंद्र सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करने में बहुत सी समस्याएं आ रही थी। इस कारण यह छात्रवृत्ति योजना 3-4 सालों से अटकी पड़ी थी, लेकिन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने NIC की मदद से अपना खुद का ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया है। साथ ही साथ मोबाइल ऐप भी बन चुका है, जिस पर जाकर लाभुक छात्र रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस नए पोर्टल और मोबाइल ऐप पर सत्र 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के छात्र ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे कि मैट्रिक से आगे की पढ़ाई कर रहे गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिल सकेगी और उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्चे में दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन की आधिकारिक वेबसाइट www.pmsonline.bih.nic.in पर जाना होगा। यहाँ 2 कैटेगरी मिलेंगे, जिसमें एससी एसटी के लिए आवेदन करने के अलग टैब और ओबीसी व ईबीसी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लिंक दिखेंगे। छात्र को अपने कैटेगरी के मुताबिक लिंक पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यहाँ आप दिशा निर्देश को जरूर पढ़ लें, ताकि आप आराम से सारे डिटेल्स भर सकेंगे। अब यहाँ से 5 स्टेप में स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। सबसे पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का पेज खुलेगा, जिसमें आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल वेरिफिकेशन करना होगा। इसे वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर्ड पर क्लिक कर ले। उसके बाद अगले पेज पर स्टूडेंट को अपना व्यक्तिगत डिटेल और बैंक खाते से जुड़े डिटेल्स भरने होंगे। इतना करने के बाद अगले स्टेप में अब स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने का पेज खुलेगा। यहाँ आप अपने पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करने के बाद शैक्षणिक सत्र, जिला, कोर्स का नाम, फ्रेश या रेन्यूअल आवेदन आदि को भर दें और इंटर या इसके समकक्ष कोर्स में एडमिशन लेने से संबंधित पूछी गई तमाम जानकारियों को सही सही भर दें और इसे सेव कर लें। अगले चरण में आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसमें 10वीं का रिजल्ट, जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र, संस्था की फी रिसिप्ट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आदि डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें और सबमिट कर लें। अंत में फाइनल सबमिशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन आपका पूरा हो जाएगा। आपको बताते चले कि इन सारी प्रक्रियाओं को आप प्ले स्टोर पर मौजूद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार मोबाइल ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको जाते जाते बता दूं कि इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 है, तो आप आज ही इसके लिए आवेदन करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।